का तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव विजयी भव भटकी है रोशनी है छटपट आ रही रोशनी गगन कहे विजय भव महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया है। कोरोना से मृत्यु, कोरोना से अस्पताल के बेड पर मौत से जूझ रहे मरीज, उनके परिजन काफी चिंतित टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा शहर के अधिकतर अस्पताल में देखा जा सकता है, लेकिन शहर का एक ऐसा भी अस्पताल है जहां पर सेवाकुंज संस्था की डॉक्टर स्टूडेंट्स की टीम स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में अपनी अच्छी सेवाएं देकर कोरोना मरीज और उनके परिजनों का दिल जीतकर उनकी दुआएं पा रही है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी सेवाकुंज संस्था और स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन वर्धा रोड खापरी से ये स्पेशल रिपोर्ट। मरीजों को मिला सहारा, में आइए देखते हैं। बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कुछ हद तक कोरोना का बढ़ता प्रकोप नियंत्रण में आ सकता है। लेकिन जो लोग इस कोरोना की चपेट में हैं, जिनका इलाज करने के लिए आज शहर भर में कई परिचारिका डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्था है जो अपनी टीम के माध्यम से मरीजों को नई संजीवनी देने का काम कर रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के खामला के सेवाकुंज इस संस्था की। सेवाकुंज यह एक मेडिकल स्टूडेंट वैद्यकीय विद्यार्थियों में एक अच्छी एथिकल और क्लिनिकल प्रैक्टिस को प्रोत्साहित करने वाली एक संस्था है। सेवा अंकुर जब जब समाज पर कोई भी समस्या आती है, तब तब अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी प्रतिभा जो कि वैद्यकीय विद्यार्थियों में होती है, उसका उपयोग करते हुए वह उस विपत्ति से निपटने और उससे लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहती है। दुनिया भर में आतंक मचा रहे कोरोना महामारी से प्रभावित कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें एक ममता भरी प्यार का स्नेह देते हुए मरीज और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम शहर के अलग अलग हिस्सों से आए तकरीबन 10 से 12 मेडिकल स्टूडेंट्स सेवाकुंज के माध्यम से मरीजों को खुशियां दे रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये खास रिपोर्ट नागपुर के सेवाकुंज संस्था कोविड वार रूम से। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हम एक सेवांकुर संस्था के पास खड़े हैं और ये वो संस्था है जो दिन रात बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप
पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बढ़ चुका है और इससे कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में कई कोरोना के पेशेंट हैं जिन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में एक उनको दिलासा देने का काम, एक संजीवनी देने का यदि कोई काम कर रहा है तो आज के तारीख में सेवांकुर संस्था दे रही है। जी हाँ, इस समय में मिश्रा जी हमारे साथ में जो कि आई टी सेल के पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपका आई टी सेल किस प्रकार का कामकाज करती है और क्या कहना चाहोगे सेवांकुर संस्था के बारे में? सेवांकुर संस्था के एनजीओ ट्रस्ट जो है हमारी, उसके माध्यम से यहाँ पे दो डिपार्टमेंट हमने डिवाइड किया है। जो भी कॉल्स हमने हेल्पलाइन नंबर जो जनरेट किया है पूरे नागपुर में, और जो पेशेंट्स लोग कॉल करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर में, उनका डेटा को कोलैबोरेट करना, उनके कॉल अटेंड करना, ये सारा काम आईटी सेल के माध्यम से होता है। और जो भी कॉल्स आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, उनका मानसिक रूप जो उनका अस्त व्यस्त रहता है उनको एक दिशा देने के लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो उनका हेल्प करती है। अब तक कितना दर्ज हो चुके हैं? जब इसका स्टार्ट हुआ था तब इसका कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा था, यानी दिन में 1000-1500 कॉल आते थे हमारे पास। तो हफ्ते भरे में वो कॉल्स आना धीरे 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 कम हो गए। अभी की जो संख्या अगर देखा जाए तो 400 से 500 कॉल हमारे पर डे आते हैं। ये 24/7 चालू रहता है हमारा टोल फ्री नंबर। मिश्रा साहब, ये बताइए कि 400 यदि रोजाना जो कॉल आते हैं उनको हैंडल करना कितनी बड़ी सर्कस है, कितना बड़ा काम होता है? ये बहुत बड़ा हेडेक तो है इसमें, लेकिन लोगों की सेवा करना ये एक सेवांकुर का सबसे पहला प्रावधान है। इसलिए हमारी सारी डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस की टीम, बेड की व्यवस्था देखने वाली टीम सारी सज्ज है। कॉल्स कितना भी आए लेकिन उसको सही मार्गदर्शन करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। बिल्कुल। तो आप थे मिश्रा जी, उन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए सेवांकुर संस्था के बारे में जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कामकाज बड़ा है फिर भी करने वालों के हौसले बुलंद है, और हौसले जिसके बुलंद हो वो ऊंची उड़ान ले सकते हैं। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर धीरज गुप्ता जी है जो बेहतरीन कामकाज कर रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। गुप्ता साहब, ये बताइए कि किस प्रकार का कामकाज चलता है, कितनी डॉक्टर्स की टीम इसमें लगी हुई है? तो सेवांकुर का ये जो उपक्रम है इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स और साथ में उनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स, हम सब मिल के मरीजों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। करीब 40 सीनियर डॉक्टर्स हैं और करीब उतने ही मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ MBBS, कुछ BDS, कुछ फिजियोथेरेपी। सारे लोग मिल के समाज में इस जो ये जो विपत्ति आई है इसका निराकरण करने का, इसमें हेल्प करने का अपनी क्षमता के अनुसार वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 दिन के अंदर ये किया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स की एक बहुत कड़ी एक ट्रेनिंग ली है जिनसे उन्हें समझाया गया है कि किस तरह से टेलीफोन कॉल अगर आता है मरीजों का या उनके संबंधियों का तो किस तरह से उनकी हेल्प करना, उनकी क्षमता क्या है, किस क्षमता में वो हेल्प कर सकते हैं और उनकी सीमा क्या है, किस मर्यादा के बाहर जाने के बाद उन्हें सीनियर की, अपने वरिष्ठ किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी है। तो जब किसी पेशेंट का फ़ोन आता है तो वो लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से लेकर तो बेड अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था से लेकर सारी इन चीज़ों पर पेशेंट्स की हेल्प कर पाते हैं। जब नागपुर में 1 महीने पहले पैंडेमिक की ऐसी पैनिक सिचुएशन थी, जब बेड अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कुछ नहीं मिल रहा था और इतना पैनिक हो गया था सब, तो हमने हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड वॉर रूम ओपन की जिसमें लगभग उस टाइम पे 1500 से 2000 तक कॉल आते थे। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और इस वॉर रूम में हम कोऑर्डिनेटेड मैनर से अलग अलग सर्विसेज जैसे टिफ़िन सर्विसेज, बेड अवेलेबिलिटी, मेडिकल एड्स या फिर प्लाज्मा एम्बुलेंस, जो भी उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायरमेंट होता है वो हम अपने इसके अनुसार जितना हम कर सकते हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो हमें गाइड करते हैं, हम जितना कर सकते हैं हम उनकी सबकी हेल्प करते हैं सर। बिल्कुल। और ये कोरोना का जो कार्यकाल है इसमें डॉक्टर्स लोग दिन रात कामकाज कर रहे हैं भले, और डॉक्टर लोगों को संदेह की नज़रों से भी देखा जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाथों की पाँच उंगलियाँ बराबर होती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर के कामकाज भी अच्छे हैं, बशर्ते समाज ने भी ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। और कुछ मैडम आप क्या कहना चाहोगी, किस प्रकार का कामकाज संभालती हो, कौन सा काम करती हो आप यहाँ पर? सर, मोस्टली यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकली सबको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हेल्प करती हूँ। और मोस्टली कॉल्स में क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं बहुत, यानी जो भी रिलेटिव होते हैं वो बहुत पैनिक होते हैं, तो पैनिक स्टेट में उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आगे क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। तो फिर उन्हें पहले हम शांत कराते हैं पहली बात, तो फिर उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि वो घर पे रखे पेशेंट को या फिर क्या ज़रूरत है। अगर जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उतना करते हैं, नहीं तो फिर हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं हम उन्हें वो केस हैंडओवर करते हैं।
पिछले कई महीनों से आप ये कामकाज कर रही हो, क्या ऐसा कभी आपको अनुभव आया है कि किसी मरीज के परिजनों ने कुछ हदें लांग दी है? जी, वो टेंशन में होते हैं, उसकी वजह से वो उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है उनके साथ। वो जो सिचुएशन रहती है उनकी, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर जो फ्रस्ट्रेशन होता है उनका, उसकी वजह से वो अपनी लिमिट्स के बाहर भी बोल देते हैं। बट ये हमारा काम है कि हम समझें उन्हें, उनकी मेंटल स्टेट क्या है वो समझें, इमोशनली उन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये भी हम समझें। फिलहाल मतलब उस वक्त नागपुर में तो ऐसी कंडीशन थी कि बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो हमारी मेन प्रायोरिटी थी कि पेशेंट को घर पे कैसे ठीक कर सके हम, तो वो एक हमारा पॉइंट था। इसलिए हमने काउंसलिंग के पेशेंट को, फिर वो घर पे ही बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए, इसके अलावा भी हमने बेड, रेमडेसिविर, प्लाज्मा, फिर पेशेंट के घर पे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि घर की जो लेडी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो फिर टिफ़िन या कुछ और की सर्विसेज भी हमने अवेलेबल करवा दी, एम्बुलेंस भी अवेलेबल करवा दी, इस तरह हमने ये सब कोऑर्डिनेट किया। मैडम, आपका कौन सा कामकाज होता है यहाँ पर? हमारा सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का यही काम होता है कि पेशेंट की सबसे पहले डिटेल्स लेना, उनका सीटी स्कोर क्या है, उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, और उस हिसाब से उनका वर्गीकरण करके उन्हें सच में बेड की आवश्यकता है या नहीं, या फिर वो घर में ही ठीक हो सकते हैं या नहीं, और इस तरह से उनको फिर मदद पहुंचाना। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका सैचुरेशन मेंटेन होता है, सीटी स्कोर काफ़ी कम होता है, तो ऐसे लोगों को अगर घर पर ऑक्सीजन की सुविधा भी कर दे तो भी वो ठीक हो सकते हैं। तो ये सुविधा भी हम उनको काउंसिलिंग करके उन्हें समझाते थे कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठे सारे सेवांकुर के विद्यार्थी इतनी आत्मीयता से, जैसे कोई उनका घर का कोई बीमार है और उनके घर से कोई कॉल आया है, इस तरीके से उनसे बात करते थे, उनकी सारे दुख, उनके सारे प्रॉब्लम समझते थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये काम इतना यशस्वी हो पाया। बिल्कुल, कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा सिर्फ दवा नहीं होती बल्कि दुआएं होती है, और दुआओं का मतलब मात्र हाथ खड़ा करने से दुआ नहीं होती, उनके लिए कामकाज करना पड़ता है। और दिन रात ये जो वॉरियर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने परिजनों से अलग है ये, कई महीनों से लगातार कामकाज कर रहे, देश के सच्ची सेवा देने वाले, बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक जैसा इनका ये कामकाज है। इस समय में डॉक्टर प्रणाम भी हमारे साथ में। प्रणाम प्रणाम, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणाम सदावर्ते सेवांकुर का नागपुर महानगर का संयोजक हूँ। सेवांकुर का जैसे नाम ही पता है, सेवांग का अंकुर यानी सीड ऑफ सर्विस, तो वैद्य के छात्रों में सभी पैथी के विद्यार्थी मिला के क्लिनिकल और इथिकल प्रैक्टिस करने का काम हम लोग करते हैं। इसमें कुछ छात्र जुड़े होते हैं जो पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए, वो लोग भी अभी से हमें से जुड़ा है। जैसे कि हम पढ़ाई करने के बाद एक साल इंटर्नशिप करते हैं, उसी समय पढ़ाई करते करते ही एक वन वीक फॉर नेशन, एक सप्ताह देश के नाम, इस प्रकार से मूवमेंट शुरू हुई थी। अभी जब भी समाज के सामने और देश के सामने कोई विपदा आती है तो सेवांकुर ने अपना अपना जो है रोल निभाया। 2014 में जब कश्मीर में महामारी आई थी और सैलाब आया था, उस समय भी सेवांकुर के छात्र नागपुर से कश्मीर गए थे और लगभग वहाँ पे एक महीना उन्होंने हेल्थ कैंप कराए थे। उसी प्रकार अहेरी हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, जशपुर जैसा दुर्गम इलाका हो छत्तीसगढ़ में, जहाँ आज भी पहुँचने के लिए रेलवे से 400 किलोमीटर के अंदर जाना पड़ता है, ऐसी जगह जाके वहाँ पर हेल्थ कैंप हो, सर्जिकल कैंप हो, ऐसे सब चीज़ें करते। समय के साथ में सेवांकुर ने भी अपना कदम और आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से उठ करने का सोचा। जैसे ही इस महामारी ने अपना रूप अपनाया तो पिछले साल और इस साल सेवांकुर के माध्यम से मिशन विश्वास, उसके बाद में ब्लड डोनेशन काम काफ़ी हुआ था। जब महामारी का रूप और तेज हो गया तो सेवांकुर के छात्रों और सभी पदाधिकारियों ने से सोच के एक वार रूम बनाया, जिससे कि लोगों को चीज़ें आसान हो। जैसे आपने सुना कि IT सेल, बेड अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन, उसके बाद में इंजेक्शन की व्यवस्था जिस प्रकार से हो सके, यहाँ तक कि हर सर लोगों को एक अच्छा काउंसलिंग हो, उनको बीमारी क्या है ये समझाया जाए, बीमारी को कैसे लड़ना ये जाए, उनकी अपनी मानसिक स्थिति कैसे मेंटेन रहेगा, साथ में उनके घर के अन्य परिजनों को कैसे, और एक सामाजिक अच्छा संतुलन, सामाजिक और मानसिक दोनों बरकरार रहे, इस हिसाब से काम करें। और मुझे बहुत खुशी होती कि इस प्रकार की सेवाएँ समाज में होती है, समाज का मनोबल भी ऊँचा रहता है और सेवांकुर का काम अच्छे से हो रहा है। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने तमाम डॉक्टर की टीम से बात की और उनसे जब बात की तो हमारे रोंगटे खड़े हो चुके, क्योंकि कामकाजी कुछ ऐसा था, दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे, हो सकता है कि इन्हें भी कोरोना
से लड़ते लड़ते ये भी कई संक्रमण की चपेट में न आए, इन लोगों ने भी अपनी प्रिकॉशन लेना उतना ही बेहद ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि इनके परिजनों ने इन्हें ये काम करने के लिए अनुमति दी है, और इतना नहीं तो ये जो होनहार डॉक्टर की टीम है ये बहुत अच्छा कामकाज कर रही है, बशर्ते यहाँ पे आने वाले हर मरीज के परिजनों ने भी डॉक्टर का सम्मान करना होगा, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक पार्ट है। और किसी मरीज की जब भी उसे कोई तकलीफ़ होती है तो उनकी तकलीफ़ दूर करने का काम बड़े प्यार से अगर कोई दूर करता है तो यही डॉक्टर की टीम कामकाज करती है। अब दर्शकों, अब हम आपको सीधा हम रुख करने जा रहे हैं विवेकानंद अस्पताल जो कि वर्धा रोड पे, वहाँ पे किस प्रकार के कामकाज जारी है, आइए हमारे साथ। पिछले कुछ दिन पहले कोरोना मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने के लिए मरीजों के परिजनों को काफी मशक्कतें करनी पड़ी थी। अवाजिब तरीके से एम्बुलेंस सेवा वाहन कर्मचारी अनाप शनाप पैसे मांगते थे। मरीजों को अस्पताल ले जाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। एक तरफ एम्बुलेंस की कम संस्था और उसमें भी 5,000 10,000 से लेकर लाखों रुपए परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा को दी है। कौन कहता है कि कोरोना से कोई पैसा नहीं कमा रहे है? शहर की एम्बुलेंस सेवा और इलाज के नाम पर लोगों को सिर्फ डेड बॉडी परिजनों को लौटाने वाले शहर के अधिकतर अस्पताल की एम्बुलेंस वालों ने नाजायज तरीके से अवैध तरीके से एम्बुलेंस सेवा देने के नाम पर नागपुर और अन्य शहरों के परिजनों का 392 बिल डाला है, लूटा है। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दो एम्बुलेंस सेवांकुर संस्था को दी है। मात्र 500 रुपयों में मरीजों को ये एम्बुलेंस अस्पताल घर लाने के लिए और ले जाने जैसी सेवा दे रहे हैं। स्क्रीन पर देख रही ये दो एम्बुलेंस की कई विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। शहर में जब भी किसी कोरोना मरीज को किसी अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो उसे अस्पताल जाने के लिए एक ऐसी एम्बुलेंस की बहुत जरूरत होती है। ऐसे में दो एम्बुलेंस यहाँ पे है, कार्डियक एम्बुलेंस के नाम से ये एम्बुलेंस पूरी तरह से सुविधाओं से सुसज्जित है। आइए आखिर क्या है इसकी विशेषता है जानना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता जी से। गुप्ता जी, ये बताइए कि जिस प्रकार की ये जो वैन जो है, दो वैन दिखाई दे रही है यहाँ पे एम्बुलेंस, क्या इसकी विशेषताएं हैं? सेवांकुर का जो ये कोविड वॉर रूम है, यहाँ पर हमको दो पूर्ण रूप से सुसज्जित वेल इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इसमें जो है मॉनिटर की व्यवस्था है, पूरी पेशेंट की जो वाइटल्स हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन की जो लेवल है उसकी पूरी जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर के साथ शिफ्ट किया जा सकता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो इस एम्बुलेंस में वो पावर प्लग है जिसके द्वारा आप वेंटिलेटर को भी ऑन कर सकते हैं। तो कोविड पेशेंट जो हैं उनमें यह एम्बुलेंस जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। करीब करीब 700 से 1000 पेशेंट्स को हम लोगों ने सेवांकुर के इस उपक्रम के थ्रू इसमें सहायता पहुंचाई है। सर, अक्सर ये देखने में आता है कि जहां भी कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है 5,000 7,000 एटे जा रहे लोगों से, क्या आप भी यही काम कर रहे हो कि क्या कॉस्ट लेते हो मरीजों को लेके जाना होगा? तो ये एम्बुलेंस सेवांकुर एक स्वयंसेवी संस्था है, वह चलाती है। तो इस हमने जो प्रावधान किया हुआ है वो केवल 500 रुपये मिनिमल चार्जेस जो है, 500 रुपये में एक ट्रिप पेशेंट को अपने घर से, अपने निवास से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इसके लिए केवल 500 रुपये लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। और व्यक्तिगत रूप से मैंने ही कई पेशेंट्स को इस सहायता का या सॉरी इस सुविधा का लाभ पहुँचाया है। बिल्कुल, मात्र 500 रुपये में एम्बुलेंस मिलती है। अगर शहरवासियों, अगर आपके घर में भी कोई मरीज है, अगर आपको किसी बात की कोई तकलीफ है या उन्हें एडमिट करना हो तो ये एम्बुलेंस आपके लिए काफ़ी अच्छा कामकाज कर सकती है मात्र 500 रुपये में। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी प्राइवेट अस्पताल की हो या एम्बुलेंस जो आती है वो बड़ा चढ़ा के रेट बताते हैं, 5,000-7,000-10,000 तक लेते हैं। ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। सरकार हो, प्रशासन हो, इन्होंने इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और जो ज़्यादा पैसे लेते हैं ऐसे लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए, यही समय की मांग है। अब हम रुक करना चाहेंगे, इस समय यश सातपुते हमारे साथ में है, दो एम्बुलेंस यहाँ पर। सर, ये बताए कि एक्चुअल में ये जो एम्बुलेंस है ये किसने दी है? ये एम्बुलेंस का ऐसा है कि सेवांकुर का जो सेवा कार्य ये चल रहा है मरीजों के लिए ये कोविड के महामारी के दरमियान, तो वहीं पे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने इनका सेवा कार्य देखते हुए कुछ तो भी सहायता उनके माध्यम से हो, इसलिए ये दो एम्बुलेंस की सेवाएँ उन्होंने सेवांकुर को उपलब्ध करा के दी है।
कितना फायदा हो रहा है लोगों का? लोगों को फायदा काफी हो रहा है, क्योंकि आज आए दिन हम लोग नागपुर में देख रहे हैं कि काफी अनसन रेट में एम्बुलेंस वाले पैसे ले रहे हैं, और यहाँ पे हमको जब भी फ़ोन आता है हेल्पलाइन सेवांकुर के हेल्पलाइन पे फ़ोन आता है तो हम तुरंत वो मरीज़ के यहाँ का जो भी रिश्तेदार हमें फ़ोन करता है उनका नंबर देके हम तुरंत ड्राइवर को नंबर दे दिए कि हम उसको आधे घंटे के अंदर शहर के अंदर ये सुविधाएं हम लोग उनको उपलब्ध करा के देते हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल यह एक ऐसा अस्पताल है जो 1973 में एक छोटी सी गौशाला में आरंभ हुई थी। यहाँ पर दो स्वयंसेवी डॉक्टर बिना कुछ फीस लिए आसपास के गांव के मरीज थे और वहाँ की जो जनता थी उनके स्वास्थ्य की आरोग्य की चिंता करते थे और उनका इलाज किया करते थे, वो भी बिना किसी फीस के। धीरे धीरे यह सामाजिक कार्य समाज के लोगों को ज्ञात हुआ और उन्होंने इस संस्था की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ पर जो साधारण शल्य क्रिया ऑपरेशन यानी सर्जरी होती है वह आरम्भ हुई। इसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड की ऑफ्थैल्मोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से एक नेत्रालय जिसका नाम तक प्लस नेत्रालय व आरंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य नाइट ब्लाइंडनेस की रोकथाम और उसका इलाज था। आज वह गौशाला से आरंभ हुआ दवाखाना 50 बेड के सुसज्जित अस्पताल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ पर जटिल शल्य क्रियाएं जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्क्विन सर्जरी, यह सब इत्यादि नियमित रूप से किया जाता है। कोविड-19 महामारी के समय विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड कोविड-19 मतलब समर्पित को व्हाट्सएप इटल के तौर पर भरपूर सेवा दी है और तीसरी लहर की आशंका या डर को देखते हुए और इसमें 25 बेड का इजाफा जो केवल कोविड-19 चीजों के लिए रहेगा वह करने का न सिर्फ बीड़ा उठा है बल्कि वह काम लगभग पूर्ण हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि कोविड-19 जो कि सेवा के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित आईसीयू और ऑक्सीजन बेड जिनकी संख्या 25 है वह ऐड कर लिया गया है इस संस्था की एग्जिस्टिंग बेड स्ट्रेंथ में जो 50 बेड की है। इसके बाद खापरी के वर्धा रोड स्थित विवेकानंद मेडिकल मिशन का दौरा कर रही BCN न्यूज की टीम ने जैसे ही प्रवेश किया तो याद आया 1973 से लेकर अब तक के और इसके आगे का यशस्वी सफर। विवेकानंद मेडिकल मिशन के इस परिसर में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। पाइपिंग के साथ यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाता है। तीसरी लहर आती भी है तो यहाँ नए बेड का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर दिलीप गुप्ता इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। दर्शकों हम आए हुए है खापरी के उस अस्पताल में जिस अस्पताल का नाम है स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, और ये वो मेडिकल मिशन है जहाँ पे कोरोना से संक्रमित या कोरोना से बाधित यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका अच्छे से इलाज हो सकता है। ऐसे में यदि कोई तीसरी लहर आती है और लोगों में अगर कुछ या अस्पताल प्रबंधन किस तरह से तैयार है ये एक बड़ा प्रश्न होता है। अगर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार नहीं तो कई लोगों की मौतें भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो कहना मानना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की ओर से ये एक जो आप हॉल दिखाई दे रहा है आपको ये बनाया गया है, यदि तीसरी लहर आती है तो लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करने जाएंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो पाइपिंग जो दिखाई दे रही है ये ऑक्सीजन के लिए है। बाहर में जैसे हमने पूरे ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे ये पूरी पाइपिंग हो चुकी है, लगभग यहाँ पूरा कामकाज हो चुका है। जैसी लहर आएगी पूरी तरह से ये लोग तैयार है। इस समय में हमारे साथ में चेयरमैन गुप्ता जी है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि किस प्रकार के कामकाज यहाँ पे हो रहे हैं और कितनी तरह तैयार हुआ आप लोग इन परिस्थितियों से निपटने के लिए? हमारे पास पहले से ही एक हॉस्पिटल अंदर जो चल रहा है कोविड के ट्रीटमेंट का, जहाँ हमारे पास में 45 बेड थे और वो पूरी तरह से भर गए थे, जगह बाद में नहीं थी, अब तो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन उसके अलावा आज भी मरीज आते हैं और थर्ड वेव जब आएगी तो ये संख्या और बढ़ेगी। इसलिए जहाँ हम यहाँ खड़े हैं ये हमारा ICU है, यहाँ पर 3 बेड लगने वाले हैं और 3 बेड की व्यवस्था इसको लग के जो कमरे है उसमें हमने करके रखी है। तो जो जिस मरीज को वेंटिलेटर लगाना है, बाइपैप लगाना है, सीरियस हो जाता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ऐसे मरीजों का तुरंत इलाज यहाँ हम
उसके अलावा भी कर सकते हैं, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको, उसके बावजूद ये भी फैसिलिटी हमारी कार्यरत रहेगी तो वहाँ के 45 और यहाँ के 28-30 बेड ऐसे मिला के 75 बेड हमारे पास में बन जाएंगे। तकरीबन आज के तारीख में यदि देखा जाए तो 55 यहाँ पे बेड बन चुके हैं, लेकिन 22 बेड पे अभी भी मरीज है। मरीजों का आंकड़ा भले ही कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। अब दर्शकों, हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के दूसरे सेक्शन में, और वहाँ पर किस तरह के कामकाज हो रहे हैं, आइए हमारे साथ। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में कौन कौन से विभाग कामकाज कर रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ आए मरीजों को हो रहा है, इस बारे में हमारी BCN की टीम ने खुद हर विभाग का मुआयना किया। हर विभाग की जानकारी डॉक्टर दिलीप गुप्ता इन्होंने साझा की। दर्शकों, इस समय में हम स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन आरोग्य शिक्षण सभागृह में हैं, और ये वो सभागृह है जहाँ पे जो आने वाले जो डॉक्टर्स की टीम होती है, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ज्ञान दिया जाता है कि किस प्रकार से कामकाज करना है। तो हम भी सभागृह में हैं, और इस समय में आप देख सकते हैं ये तमाम दिन रात काम करने वाली टीम भी यहाँ पे है। हम सीधा रुक करना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में भरतकर मैडम है, उनसे जाना चाहेंगे। मैम, ये बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, जब यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उनको कैसे काउंसलिंग करते हो या कैसे एजुकेटेड करते हो? सबसे पहले तो हम ये समझ लें, आज की तारीख में जो कोविड यहाँ चल रहा है, कोविड में हेल्प करने के लिए ये बच्चे खुद होके आ रहे हैं वॉलंटरली। अब इनको ये जानना ज़रूरी है कि खुद को पहले कैसे प्रोटेक्ट करें, तभी जाके वो सही तरीके से काम करेंगे। ये करते हुए एक तो वो काम करने में कॉन्फिडेंट भी होंगे, और इनके अपने पेरेंट्स भी घर पे बिल्कुल आश्वस्त होंगे कि हमारे बच्चे सही तरीके से सही चीज़ सही जगह पे दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। बच्चों को जब आप काउंसलिंग करती हो या कुछ बताती हो, तो क्या बच्चे कितना प्रतिशत पालन करते हैं, और क्या कहना चाहते हैं आपके स्टूडेंट? लेट मी से, बिल्कुल 100% वो सपोर्ट करते हैं, खुद होके प्रेरित होके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको भी उस पर काम करना नहीं पड़ता। खुद से समझते हैं, सीखते हैं, और उसका पालन भी उतनी ही शिद्दत से करते हैं। कोरोना का काम का जारी है, कोरोना की जंग आप सब वॉरियर्स लोग लड़ रहे हो, ऐसे में PPE किट पहनना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसा आप उनको मार्गदर्शन करती हो? हमारे पास में कुछ वीडियोस रखे हुए हैं, कुछ ऑडियो एक्सप्लेनेशंस भी साथ में हम देते हैं उनको। एक बार पहले तो हम क्लासरूम में बिठा के उनको समझा रहे हैं, फिर उनको जो डॉनिंग एरिया होता है, मतलब कि जहाँ पर PPE किट्स पहने जाते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, तो स्टेप वाइज वो डेमो फिर से वहाँ पे होता है, उसके बाद ही ये लोग वार्ड में चले जाते हैं। योर गुड नेम प्लीज। डॉक्टर खड़तकर। आप थे डॉक्टर खड़तकर, जिन्होंने अच्छी जानकारी ये दिया है कि PPE किट कैसे पहनना चाहिए, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और हॉस्पिटल को लेके मरीजों की सेवा करने के लिए जो कुछ तमाम बातें होती है उनका भी काफ़ी अच्छी ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। अब हम सीधा रुख करेंगे कि कुछ ऐसे डॉक्टर असिस्टेंट्स करके कामकाज कर रही है शर्वरी मेंढेकर, इस समय हमारे साथ में। शर्वरी, आप ये बताइए कि आप गोंदिया से जब नागपुर आए तो कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि आप दिन रात आपकी पूरी टीम काम कर रही है, तो कोरोना मरीजों के पास काम करने के लिए कोई भी ऐसे आते जाता नहीं है, दूर दूर से कामकाज करती हो, तब उनके मन में क्या चल रहता है, और आज के तारीख में मरीजों को एक्चुअल में दवा दुआ या और किस बात की ज़रूरत है? वैद्यकीय क्षेत्र में होने के वजह से और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसके वजह से हमें एक ऐसा अलग ही गिल्ट था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसके बाद सेवांकुर के तरफ से हम लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसके वजह से हम लोग इस हॉस्पिटल में आके हमारी सेवा दे पा रहे हैं। आज के टाइम में पेशेंट्स के लिए सिर्फ मेडिसिन मतलब वो ही सब कुछ नहीं है, उनके साथ अगर अपन बैठ के दो शब्द भी बात करते हैं अच्छे से, क्योंकि वो सारी दुनिया छोड़ के यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर है, तो अगर हम उनसे दो शब्द अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बैठते हैं, तो उनको एक अलग ही फीलिंग आती है और उनको ऐसा लगता नहीं कि वो हॉस्पिटल में है। तो मैं बाकियों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके आजू बाजू में ऐसे कोई पेशेंट्स हो और अगर आप उनसे नहीं मिल पा रहे हो, तो आप फिर भी उन्हें खुद होके फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको क्या सुख है क्या दुख है वो सब शेयर कर सकते हैं आपसे, तो उनका एक अलग फीलिंग आती है। आप कहाँ से, क्या कहना?
नमस्कार, मेरा नाम सूरज मतकर, मैं अमरावती से हूँ। जब मुझे पता चला कि सेवांकुर ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम मतलब कोरोना मरीजों की हेल्प कर सकते वॉलंटियरली, तो मैं अमरावती से यहाँ चला आया। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब पेशेंट से बात करते, पेशेंट अपने शेयर करते अनुभव कि उनको कैसी बीमारी हुई, कैसी हुई, और जो ट्रीटमेंट होकर पेशेंट अच्छे घर जाते हैं, तो उनके जो चेहरे पे स्माइल है वो देख के बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए वॉलंटियरली काम करने में सेवांकुर से आया है। जी, मैं जागृति सोनौने हूँ, मैं शेगांव से आई हूँ, पर कोविड वॉर रूम से काम किया है। बिल्कुल, हर यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन वाइज इनको कामकाज करना पड़ता है। सर आप बताइए, इस समय में हमारे साथ में यहाँ के जो चेयरमैन है डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी, उनसे जाना चाहिए। गुप्ता साहब, पूरे अस्पताल का हमने जब चक्कर मारा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्शंस दिखाई दिए हैं। पहले का स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन और अब का स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन का जो प्रारूप जो बदला है, ये कितना महत्वपूर्ण लगता है? ये जो केंद्र शुरू हुआ था उस समय यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, और छोटी सी सेवा के साथ हमने इसको शुरू किया था। लेकिन समाज की ज़रूरतें जो है, जैसे नागपुर में बदला है पूरा चित्र, वही चित्र हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो। जो सेवा नागपुर में मिलती है वही सेवा, उसी स्टैंडर्ड की सेवा हमारे यहाँ हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। आज कोरोना की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इस अस्पताल का, कितने मरीज यहाँ पे भर्ती हुए, क्या कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने अच्छे हुए हैं, और क्या सुविधाएं मिल रही हैं? कोरोना की जो परिस्थिति थी ये बहुत ही भयावह थी। पिछले वेव में भी हम लोगों ने काम किया, उस समय हमने ये सब जितने हमारे पास में बेड्स है इनको सबको ऑक्सीजन युक्त करा लिया। समाज की मदद से ही वो काम हम कर पाए, और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था पूरे अस्पताल में हर बेड के लिए हमारे यहाँ हो गई। और उसके साथ ही हमारे जो डॉक्टर लोग हैं उनको उस समय में ट्रेनिंग दिया गया। उस समय में डॉक्टर खड़तकर हमारे साथ थी, उन्होंने उनको सबको ट्रेनिंग दिया, नर्सेस को ट्रेनिंग दिया, और उसके लिए तैयार किया। वो जो तैयारी थी वो आज हमारे फिर से काम में आ रही हैं। 45 जो बेड है आज उस पर हमारे पास पूरे मरीज भरे हुए थे। एक समय ऐसा था कि हमको मरीजों को वापस भेजना पड़ता था, आज थोड़ी सी परिस्थिति ईज आउट हुई है, कम हुआ है। आज हमारे पास में 22 मरीज हैं, जिसमें से 8 मरीज जो है वो अभी भी अत्यवस्थ है, आईसीयू में है। आईसीयू के मरीजों को हम अलग से पूरी ट्रीटमेंट ठीक से देते हैं। यहाँ आने के बाद जनरल फिजिशियन से लेके जैसे ऑप्थल हो, ऑर्थो हो, डेंटल हो, या जनरल जो है, ये सभी कामकाज दिखाई दे रहे हैं, तो कितना चैलेंज होता है, क्योंकि दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टर की संख्या कम है। ऐसे में ये जो बहादुर नौजवान जो डॉक्टर असिस्टेंट की जो टीम है, इनका कितना सपोर्ट मिलता है? इनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट हमको मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो मरीज की पूरी चिंता करने में लगे हुई है, उसकी ट्रीटमेंट करने में लगे हुई है। और वो ट्रीटमेंट में भी कई बार ये होता है कि जब संख्या बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमती रह जाती है। वो कमी जो है, वो कमी ये बच्चे सब पूरी कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। वो पर्टिकुलरली उसको ट्रीटमेंट मिल रही कि नहीं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, ये सब चीज़ें इनके ध्यान में आ जाती है, और वो तुरंत उसको करेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो आके हमको बताएंगे कि ये नहीं हुआ, वो तुरंत उसको वहीं के वहीं उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। और इनकी पहली बात, पहले दिन मैंने इनसे कहा था कि डॉक्टर से और नर्सेस से पहले दोस्ती कर लो, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये कौन आ गए। मदद करने के लिए आए हो तो जिनकी मदद करना है वो मरीज भी है और डॉक्टर्स है, उनकी भी मदद आपको करना है, और आपको इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और उन्होंने वैसी दोस्ती कर ली है, और उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल के और मरीजों की अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो, इसकी चिंता वो कर रहे हैं। जैसा कि इसने बताया कि उनके पास बैठना, उनसे बात करना, वो घर से दूर है, अकेले है, बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, उनसे बात करने का भी एक बहुत बड़ा काम है। और वो काम ये सब लोग बच्चे कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को भी ठीक से देख रहे हैं, मरीजों से बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे हमारी मदद के लिए कोई हमारे सपोर्ट के लिए आ गया है, तो उनको भी अश्योर्ड लगता है। और ये सब काम अपनी स्वयं प्रेरणा से करते हैं। इसके पीछे प्रेरणा जो है वो सेवांकुर की है। सेवांकुर ये जो संस्था है,
ये जैसे हमारे डॉक्टर प्रणाम सदावर्ती है, डॉक्टर धीरज गुप्ता है, डॉक्टर सचिन जामुलकर है, ये हम सब संघ के लोग हैं। और हमने ये काम इसीलिए शुरू किया था कि जैसे ये सेवाभावी अस्पताल है, यहाँ जब हमको डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है तो सेवा के भाव से काम करने वाले डॉक्टर कम मिलते हैं। बिल्कुल, सेवा से काम करने वाले डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन दिल से काम करने वाले डॉक्टर की आज भी कोई कमी नहीं है। यदि कोरोना की बात की जाए तो किसी को कोरोना हुआ ऐसा अगर पता भी चलता है तो लोग उसे कन्नी काटते हुए नज़र आते हैं, मगर कोरोना पेशेंट की सेवा देना बहुत बड़ा काम है। और ये जो तमाम ये नौजवान जो साथी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी ये मन बना लिया कि हमें भी हमारे देश के लिए कुछ देना है, इस समाज के लिए कुछ देना है। और इसी चाहत से, इसी बात को लेकर उन्होंने घर के लोगों से भी बात की। आइए ये भी बात जानना चाहेंगे। शर्वर, ये बताइए कि किसी कोविड पेशेंट के साथ में काम करना बहुत बड़ी बात है, ऐसे में आप, मैं ये बात शर्वरी आपकी नहीं, मैं तमाम आप जैसे कई कलीग्स लोगों की आपकी है, माता पिता का कितना सपोर्ट था, क्या उन्होंने नानुकुर किया था, क्या कहना चाहोगी, कैसा मन बनाया आप लोगों ने? पहले तो उनको बहुत ज़्यादा डर था कि हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर होगा पेशेंट्स के साथ, तो उन्होंने पहले नहीं ही बोला, लेकिन अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज शायद हम में से यहाँ पर कोई नहीं आ पाता। उन लोगों ने बाद में समझा कि हमें सही में हमारी सेवा देनी है, और उन लोगों के सपोर्ट के वजह से ही हम लोग आज सब यहाँ पर हैं। इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे ये पूरे डॉक्टर स्टूडेंट की टीम दिन रात अपनी बेहतर सेवा देकर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे। यहाँ पर आए हर मरीज और उनके परिजनों को एक अपनापन, एक जीने की उम्मीद, हारी हुई बाजी को कैसे जीता जा सकता है, या कैसे सकारात्मक पहलुओं पर हम अपने आप को कैसे कोरोना के अग्निशर से लड़ सकते हैं, आदि कई जीवन संवर्धित मजबूती बातों को ये टीम मरीजों के परिजन एवं मरीजों को दे रही है। डॉक्टर मीना खड़कर अपनी सेवा दे रहे शहर के डॉक्टर स्टूडेंट्स को पूरा मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल, उन लोगों के सपोर्ट के वजह से ही ये सभी लोग यहाँ पे है। और एक बात तो तय है कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई नौजवान साथी हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, इन कोरोना पेशेंट के लिए अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। शासन प्रशासन ने भी ऐसे नौजवान साथी के तरफ ध्यान देना चाहिए, और इन्हें जो कुछ मदद करना है वो उन्हें देना चाहिए, और मॉरल इनका बढ़ते रहना चाहिए। यह आज इन लोगों का जब काम देखा तो बहुत ही अच्छा काम था। बाकी के अस्पताल के प्रबंधक, प्रशासन जो भी है, उन्होंने भी इस बात की सीख लेना चाहिए कि कैसे बिहेवियर उन लोगों का रहना चाहिए। जब हम कुछ मरीजों से मिले, उनके आंख से आंसू तक निकल चुके थे। आंसू ये दुख के नहीं बल्कि सुख के थे, क्योंकि कोई तो ऐसा था जो उनके साथ प्यार भरी बातें करता था, और दवा दुआओं के साथ साथ सहानुभूति, प्यार, ये भी बहुत बड़ा एक दवा का एक काम करता है। और कोरोना को यदि दूर करना है, हम सब ने इस जंग को जीतना है, तो सब ने साथ देना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन से कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन, विजय भवन, गगन कहे विजय भवन। Yeah.
है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजय भवानी।